1947 को आज़ाद होने वाला पाकिस्तान इस कदर तेज़ी से तरक्की कर रहा था कि पाकिस्तान की तरक्की से भारत परेशान था, जो आज दुनिया की चौथी पांचवीं बड़ी मौशियत बन चुका है। इमरान खान के अल्फाज हैं कि मैं जब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने भारत जाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे एक अमीर मुल्क से भारत जैसे गरीब मुल्क में आ गया हूँ। लेकिन वक्त बदलता गया, दो ख़ानदान इस मुल्क पर मुसल्लत हुए जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी खेलकर कभी मुखालिफ खेलकर अपनी सियासत की, अपना कारोबार चलाया, लेकिन पाकिस्तान का कारोबार वो ना चला सके। आज पाकिस्तान इस हालत पर पहुंच गया है जहां पर आटे की लाइन में लगे 10 पाकिस्तानी फौत हो चुके हैं अपनी और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए। इन हालात को देखकर सुनो टीवी के प्रोग्राम में बैठे हबीब अकरम रो पड़े। उन्होंने कहा कि हम जिन मुल्कों पर तंज किया करते थे, जैसे कि आप बांग्लादेश लगा लें, ईरान अफगानिस्तान को लगा लें, भारत भी उस दौर में हमसे बहुत पीछे था। हबीब अकरम ने कहा कि जिन ममालिक पर हम तंज किया करते थे वो आज सब के सब हमसे आगे निकल चुके हैं और हम अपनी अना, अपनी अकड़ और अपने मुफादात की खातिर इस मुल्क को पीछे से पीछे धकेलते जा रहे हैं। और अभी इनकी बात जारी थी और वो कुछ और भी कहना चाहते थे और रो पड़े और उन्होंने कहा कि खैर छोड़ें इसको। बाद में उन्होंने कहा कि ये लोग बस इतना समझ जाएं कि जितना अपने घर के लिए कोई परेशान होता है बस ये उतना परेशान हो जाएं पाकिस्तान के लिए। यानी कि घर में अगर कोई आफत आती है तो उस शख्स परेशान हो जाता है कि अब कैसे चलेंगे मामलात और फिक्र में रहता है, लेकिन इस मुल्क की अशराफिया तो इस मुल्क की फिक्र ही नहीं है। इनको अपने मुफादात अजीज़ हो गए हैं मुल्क से और ये इस मुल्क को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। शायद इनकी अपनी नस्लें भी इनको माफ़ ना करें और ये पाकिस्तान की तारीख में एक विलन और एक डाकू के तौर पर याद किए जाएंगे।